पृष्ट संख्या बाईस मिया नसीरुद्दीन साहबों उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके में नान बाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिटके सोचा सेवैयों की तैयारी होगी पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं मियाँ मशहूर हैं छप्पन किस्म की रोटियां बनाने के लिए हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं मौसमों की मार से पका चेहरा आंखों में काइया भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर हमें गाहक समझ मियां ने नजर उठाई फरमाइए, झिझक से कहा आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे आपको वक्त हो तो मिया नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया निकाल लेंगे वक्त थोड़ा पर यह तो कहिए कि आपको पूछना क्या है फिर घूर कर देखा और जोड़ा मिया कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो यह तो खोजियों की खुराफात है हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं पृष्ठ संख्या तेईस हाँ काम काजी आदमी को इससे क्या काम है आपने यहां तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं पूछना यह था कि आ, किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म आपने कहां से हासिल किया मिया नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए फिर तरेर कर बोले क्या मतलब पूछिए साहब नान इल्म लेने कहीं और जाएगा? क्या नगीना साज के पास क्या क्या के के पास? क्या मीना साज के पास? मीना या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा क्या फरमा दिया साहब यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा हाँ इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही मतलब ये कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे पृष्ठ संख्या चौबीस जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठीए पर आपके वालिद मिया नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई लगा गहरी सोच में है फिर सिर हिलाया क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया हाँ हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई बाई मियाँ कल्लन आपको इन दोनों में से किसी किसी की कोई भी नसीहत याद हो नसीहत काहे की मिया काम करने से आता है नसीहतों से नहीं हाँ बजा फरमाया है पर यह तो बताइए ही बताइए हमने भट्टी की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब आप इस काम में लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी दो तीन कश खींचे फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए देते हैं आप जानो जब बच्चा उस्ताद के यहां पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ बच्चा कहता है अलिफ कह बे बच्चा कहता है बे कह जीम बच्चा कहता है जीम इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है समझे साहिब एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बीच बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज दे डाली कहो भाई मीर साहिब सुबह ना आना हुआ पर क्यों मीर साहिब ने सर हिलाया मिया अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे पृष्ठ संख्या पच्चीस पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना इस बार मिया नात हो दूसरी पढ़ाई भी होती है सुनिए अगर बच्चे को भेजा मदर से तो बच्चा ना कच्ची में बैठा ना बैठा हुआ पक्की में ना दूसरी में और जा बैठा तीसरी में हम यह पूछेंगे कि उन तीन जमातों का क्या हुआ क्या हुआ उन तीन किलासों का अपना ख्याल था कि मिया नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे पर वह हम ही पर दागते रहे आप ही बताइए उन दो तीन जमातों का क्या हुआ आ, यह बात तो मेरी समझ से बाहर है इस बार शाही नानबाई मियां कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए मेरा मतलब क्या साफ ना था लो साहिबो अभी साफ हुआ जाता है जरा सी देर को मान लीजिए हम बर्तन धोना ना सीखते हम भट्टी बनाना ना सीखते भट्टी को आंच देना ना सीखते तो क्या नान बाई का हुनर सीख जाते मिया नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो उन्होंने बड़े ही मंजे अंदाज़ में कहा कहने का मतलब साहिब तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है सिर हिलाया है साहिब माना पृष्ठ संख्या छब्बीस मिया जोश में आ गए हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहां बैठे होते मिया को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया क्या यहां और भी नानबाई हैं मियाँ ने घूरा बहुत तेरे पर खानदानी नहीं सुनिए दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा मियां नान भाई कोई नई चीज खिला सकते हो हुक्म कीजिए जहां पना बादशाह सलामत ने फरमाया कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके और ना पानी से बने क्या उनसे बनी ऐसी चीज क्यों ना बनती साहब बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है बेसबरी से पूछा वह पकवान क्या था कोई खास चीज ही होगी मियाँ थोड़ी देर सोच में खोए रहे सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले या हम ना बतावेंगे बस आप इतना समझ लीजिए एक कहावत है ना कि खानदानी नान कुएं में भी रोटी पका सकता है कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है मजा लेने के लिए टोका कहावत यह सच्ची भी है कि मियां ने तरेरा और क्या झूठी है आप ही बताइए रोटी पकाने में झूठ का क्या काम झूठ से रोटी पकेगी क्या पकती देखी है कभी रोटी जनाब पकती है आज से समझे सिर हिलाना पड़ा ठीक फरमाते हैं पृष्ठ संख्या सत्ताईस इस बीच मिया ने किसी और को पुकार लिया मिया रहमत इस वक्त किधर को अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने शाम को मंगवा जो मिया एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी सो कुछ फुर्ती पा गए थे पूछिए अरे बात ही तो पूछिएगा जान तो ना ले लेवेंगे उसमें अब क्या देर सत्तर के हो चुके फिर जैसे अपने से ही कहते हो वालिद मरहूम तो कूच किए अस्सी पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बनाया तो कहा अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बाबरची खाने में तो काम किया ही होगा ना मिया ने बेरुखी से टोका वह बात तो पहले हो चुकी ना हो तो चुकी साहिब पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहां आपके बुजुर्ग काम किया करते थे अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं अरे कह दिया ना कि बादशाह के यहां काम करते थे सो क्या यह काफी नहीं हम खिसियानी सी हंसी हंसे <laughs> है तो काफी पर जरा नाम ले लेते तो उसे वक्त से मिला लेते वक्त से मिला लेते खूब पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं दिल्ली के बादशाह का ही ना उनका नाम कौन नहीं जानता जहां पना बादशाह सलामत ही ना कौन से बहादुर शाह जफर की मियाँ ने खींच कर कहा फिर अलट पलट के वही बात लिख लीजिए बस यही नाम आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है पृष्ठ संख्या अट्ठाईस हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाकर अपने कारीगर से बोले अरे वो बब्बन मिया भट्टी सुलगा लो तो काम से निपटे यह बब्बन मिया कौन है साहिब मिया ने रुखाई से जैसे फांकी काट दी हो अपने कारीगर और कौन होंगे मन में आया कि पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं पर मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया इतना ही कहा यह कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं खाली शागिर्दी ही नहीं साहब गिन के मजूरी देता हूं दो रुपये मन आटे की मजूरी चार रुपये मन मैदे की मजूरी हाँ ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं मियाँ को अब इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले बाकर खानी शीर माल बेसनी खमीरी, रुमाली गाओ दीदा गाजेबान और तुनकी फिर तेवर चाह हमें घूर कर कहा तुनकी पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है महीन हाँ किसी एक दिन खिलाएंगे आपको एकाएक मिया की आंखों के आगे कुछ कौंद गया एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने के लिए कहा उतर गए वे जमाने और गए वो कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे मियाँ अब क्या रखा है निकाली तंदूर से निगली और हजम अभ्यास पाठ के साथ मिया नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है दो लेखिका मिया नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी तीन बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मिया नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी पृष्ठ संख्या उनतीस मिया नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख या मजमून न छेड़ने का फैसला किया इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए पांच पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है पाठ के आसपास मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी दो तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का दो बार प्रयोग क्यों किया है क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं लिखिए तीन मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं ऐसा क्यों चार मिया कहीं अखबार नवीज तो नहीं हो यह तो खोजियों की खुराफात है अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें पकवानों को जानें। पाठ में आए रोटियों के अलग अलग नामों की सूची बनाएं और इनके बारे जानकारी प्राप्त करें भाषा की बात एक तीन चार वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें क पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया ख आंखों के कंचे हम पर फेर दिए तीन आ बैठे उन्हीं के ठीए पर दो बिटर बिटर देखना यहां देखने के एक खास तरीके को प्रकट किया गया है देखने संबंधी इस प्रकार के चार क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए तीन नीचे दिए गए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है लिखें क मिया मशहूर हैं छप्पन किस्म की रोटियां बनाने के लिए ग निकाल लेंगे वक्त थोड़ा दिमाग में चक्कर काट गई है बात घ रोटी जनाब पकती है आज से पृष्ठ संख्या तेरह शब्द छवि नानबाई यानी तरह तरह की रोटी बनाने बेचने का काम करने वाला यानी धूर्त या चालाक पेशानी यानी माथा या मस्तक अखबार नवीस यानी पत्रकार खुराफात यानी शरारत यानी जानकारी ज्ञान विद्या नगीना साज यानी नगीना जरने वाला मीना साज यानी मीनाकारी करने वाला रंगरेज यानी कपड़ा रंगने वाला वालिद यानी पिता अख्तियार करना यानी अपनाना मरहूम यानी जिसकी मृत्यु हो चुकी हो मोहलत यानी कार्य विशेष के लिए मिलने वाला समय लम्हा भर यानी क्षण भर नसीहत यानी सीख या शिक्षा बजा फरमाना यानी ठीक बात कहना शागिर्द यानी शिष्य परवान करना यानी उन्नति की ओर बढ़ना जमात यानी कक्षा रुखाई यानी उपेक्षित भाव तरेरा यानी घूर कर देखना रूमाली यानी एक प्रकार की रोटी जो रूमाल की तरह बड़ी और बहुत पतली होती है जहमत उठाना यानी तकलीफ झंझट या कष्ट मजमून यानी मामला या विषय